सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। सर एक बार आपका आउटलुक मेरे को चाहिए। हम 14,500 निफ्टी का और बैंक निफ्टी का 32,500 को किसी तरह से बचा रहे हैं, मैं वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, किसी तरह से बचा रहे हैं, हम कितनी स्पीड से ऊपर आ सकते हैं सर? जी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। तो निफ्टी में मैं देख रहा हूँ कि जो निफ्टी फ्यूचर्स लेवल है अप्रैल फ्यूचर्स, उसमें 14,835 ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर अगर क्लोजिंग मिले तो हम ऊपर स्ट्रांगली जाएंगे, जैसा आपने कुछ देर पहले बोला 200 पॉइंट तो ऐसे ही आ जाएंगे, बट ये लेवल के ऊपर क्लोज आना बहुत जरूरी है निफ्टी फ्यूचर्स में 14,835। ओके 14,835 यानी कि 835। हाँ यानी आप भी ये कह रहे हैं कि एक बार 800 का लेवल पार होना बहुत जरूरी है अगर बाजार को नई तेजी नई खेप पे जाना है तो। नई तेजी नई खेप पे जाने के लिए आपको 800-850 वाला लेवल पार करना है। सर अगर ये 850 हम टच कर दें तब भी काम चला सकते हो आप? ये दो दिन अगर हम मान लो ठीक है हमने एक दो दिन हमने 850 नहीं पार किया, लेकिन 850 तक आ जाए आपका काम चल जाएगा? कॉल्स वालों के पैसे बन जाएंगे जो आज लेना चाहते हैं? ज्यादा नहीं बनेंगे क्योंकि अगर आप देखो कल इंडिया विक्स काफी ऊपर आ चुका है तो कॉल्स की प्रीमियम ऑलरेडी हाई है, तो इसके लिए बहुत बड़ा मूव लगेगा कि हम कॉल्स में पैसे बनाएं। ठीक है कोई बात नहीं। तो सर आज का आपको वैसे लो क्या लगता है? ये कल का जो पैनिक लो था 14,500 किसी तरह से बहुत यही एक मान के चलूं कि ये बेस है अब हमारा? ये बेस है, पर अगर आप मुझे मेरा व्यू पूछो तो एक बार ये टूटेगा इस महीने में। मतलब मेरा ऐसा व्यू है कि निफ्टी 14,300 एक बार दिखा सकती है इस महीने में बहुत जल्दी, और वहां से बाउंस आना चाहिए, ये मेरा व्यू है। क्योंकि क्या सर, हर कोई क्या है 14,300 आने की वजह क्या है? सिंपल वजह यह है कि दो वजह इसमें, एक तो यह है कि 14,500 हर कोई अब सपोर्ट मान के चल रहा है तो सभी के स्टॉप लॉस वहां होंगे, तो जितने भी स्टॉप लॉस है एक बार वो अगर कोई स्मार्ट प्लेयर है कोई FII है उसको बाइंग करने एक बार वो सारे स्टॉप लॉस तोड़ेगा जिससे कि पैनिक सेलिंग आए रिटेल मार्केट में, उस सेलिंग को बाय करके मार्केट ऊपर लाने में उसको मजा आना चाहिए। तो उस तरीके से मुझे अगर 14,300 एक बार आए वहां से बाउंस, ऊपर से बाउंस का दूसरा वजह यह है कि ये रिजल्ट मंथ है और ये एनुअल रिजल्ट्स होंगे अभी, तो डेफिनेटली जिस तरह से ये साल रहा है जैसे मार्च के बाद सारे क्वार्टर्स रहे हैं वो काफी अच्छे रहे हैं, तो इफेक्टिवली उसका एक जो क्यूम्युलेटिव इफेक्ट बोलते हैं वो ये एनुअल रिजल्ट्स पे आना ही चाहिए। तो वो हिसाब से मेरे हिसाब से 14,300 एक बार दिखा दे वहां से बाउंस में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है इंटरेस्टिंग। आपकी जो मोटा मोटी रेंज है इस पूरे महीने की आप बता रहे हैं कि वो 14,300 से लेके 14,800 वाली रेंज है, 850 आपकी रेंज है। 800 पार होगा तो और अच्छे नंबर्स मिलेंगे, नहीं पार होगा तो वापस नीचे आ सकते हैं। मार्केट की कश्मकश आपको लगता है कि जारी रह सकती है? मैं भी आपके लिए आऊंगा वापस आपके पास सर, जरा स्टॉक्स का आइडिया भी लूंगा। मेरे साथ एक और मेहमान बहुत दिलचस्प मेहमान है नीरव वखारिया सर, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत सीधा सीधा बोलने में बिलीव करते हैं, स्पष्ट बात अपनी रखते हैं। नीरव सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। सर एक बार आपसे व्यू मैं बैंक निफ्टी का लूंगा, बैंक निफ्टी पर आपका व्यू क्या है? 34,500 किसी सॉरी माफ कीजिए 32,500 किसी तरह से हमें बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं, बच जाएगा तो 1,000 पॉइंट मिल सकते हैं। कल MPC की बैठक का फैसला आना है सर, अच्छा आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, अच्छा बुरा आने के चांसेस कम है, चुनाव चल रहे हैं सर दो राज्यों में। गुड मॉर्निंग दीप्ति जी, देखिए मार्केट में हम लोग खासा एक वोलेटाइल मूव देख रहे हैं, पिछले एक डेढ़ महीना हो गया हो गया और जो वोलेटिलिटी काफी है, और इसमें भी अगर आप देखो तो बैंक निफ्टी खास करके एक मंदी का ट्रेंड दिखा रहा है। निफ्टी ने जरूर संभालने की कोशिश करी है पिछले दो तीन दिनों में, बट बैंक निफ्टी में जो ट्रेंड है वो एक वीकिश है, और मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी आगे चलकर के भी थोड़ा आउटपरफॉर्म करता रहेगा। और आप देखो कि जो निफ्टी में जो मूव आई है जो निफ्टी संभल गया उसका मेन कारण है IT और मेटल सेक्टर दोनों संभल गए हैं, जबकि बैंक निफ्टी अपना नीचे रहा, तो इसके कारण से निफ्टी थोड़ा सा स्टेबल होती दिख रही है, जबकि बैंक निफ्टी में अभी भी वोलेटिलिटी है। मैं कहूंगा कि भाई मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में अभी भी जो स्टिल नॉट आउट ऑफ द वुड्स, मुझे लगता है अभी भी जो वोलेटाइल मूव है वो कंटिन्यू करेंगे। और आज जो सुबह सुबह हमने देखा कि भाई एक पर 300-400 पॉइंट प्लस चली गई थी, वहां से 300 पॉइंट प्लस में माइनस आ गई थी, फिर वहां से प्लस में भी आ गई, तो काफी बड़ी एक ऊपर नीचे की हम लोग मूव देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इस तरह की मूव जो है ना वो कंटिन्यू रहेगी कि आने वाले कुछ दिनों तक। और ये MPC की मूवमेंट है, जब MPC की मीटिंग जब
कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद में कुछ हम लोग डिसाइसिव मूव दे सकते हैं। जब तक चौबीस हजार के ऊपर नहीं चलता तब तक कोई बड़ी मूव इसमें एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए, जबकि नीचे 32,332 हजार का सपोर्ट बना रहेगा। तो मुझे लगता है कि अभी इमीडिएटली ये रेंज है जिसको आपको प्ले आउट करना। ठीक है, डन। मैं अफसर आपका व्यू पॉइंट समझ गया कि अभी मार्केट को थोड़ी हिम्मत लेके आनी पड़ेगी, अभी वो बड़ी बात नहीं है। हमारे दोनों मेहमान आज के पुल बैक को संदेह की नजर से देख रहे हैं, और ये मेरा भी डाउट है। मैं भी इसमें बहुत जोर से इस पुल बैक के साथ, यानी कि जो आज छोटा मोटा आपको दिख रहा है एक सुबह सुबह शुरुआत में उनको मिला, इस पुल बैक पर मैं भी कन्विंस्ड नहीं हूँ, मेरे को भी डाउट है। बट मैं इस चीज पे थोड़ा सा आम राय रख रहा हूँ जो मेहमानों के साथ है, कि हम किसी तरह से बेस बनाने की कोशिश में है, चलेंगे नहीं चलेंगे थोड़ा देखेंगे, वो बात की बात है। अब आ जाओ तो मैं सीधा सीधा स्टॉक्स पे, इंडेक्स को लेकर तो चर्चा हुई है, अब आते हैं सीधा स्टॉक्स पे आज का। लेकिन मोटा मोटी प्ले 14,700 की कॉल पुट है, ये जरूर आप ध्यान रखिएगा। आते हैं सर आज के शेयर्स पे, पहले आते हैं सर दीपक नाइट्रेट पे। प्रशांत सर जरा एक बार जरा दीपक नाइट्रेट के चार्ट खोलिए और जरा देखिए दीपक नाइट्रेट के अंदर क्या करना है हमको। सर एक बार अपना माइक ऑन कर लीजिए प्लीज। बोलिए बोलिए सर, माइक ऑफ है सर। बोलिए सर। लिंपी जी, दीपक नाइट्रेट काफी टाइम से बहुत अच्छी मूव दे रहा है और इसने एक बहुत अच्छा बेस भी बना लिया है। अगर पोजीशन है तो आप कैरी करते रहिए, कोई तकलीफ नहीं है, और अगर नहीं है तो नई पोजीशन भी बना सकते हैं। काफी स्ट्रांग लग रहा है, मतलब यहाँ से 150-200 पॉइंट, मतलब एक 8-10% का मूव एक्सपेक्टेड है। अच्छा सर, मैं अगर ये 1670 पे लेता हूँ, मान लो एक मिनट के लिए मैंने आपकी बात को माना और 1670 पे ले लिया, स्टॉप लॉस क्या दोगे, 1650 का या फिर थोड़ा और नीचे खिसकाओगे? थोड़ा सा 1635 के आसपास। 1635-36 का? हाँ ठीक है, 1635-36 का आप एक स्टॉप लॉस दोगे कोई यहाँ पे लेना चाहता है। सर कन्विक्शन का लेवल कितना है, अगर मैं आपको 100 रुपया दे दूं तो आप कितने पैसे लगा दोगे इसमें? इस लेवल पे अगर मुझे नया इन्वेस्ट करना है तो 20 के ऊपर, क्योंकि ये बहुत अच्छा। ये वो होगा कि हम कहीं चलती हुई गाड़ी में चढ़ रहे हैं, तो ज्यादा नहीं लगाऊंगा यहाँ पे, बहुत कम, अराउंड 20%, नॉट मोर देन दैट। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं शेयर को आप छोड़ सकते हो तो आप छोड़ भी सकते हो क्या? अगर मेरे पास नहीं है तो मैं डेफिनेटली छोड़ दूंगा। ठीक है, तो इसको हम भी छोड़ देते हैं फिर सर, एक काम करते हैं। दीपक नाइट्रेट को अच्छा दो हिस्सों में हम इसको बांट देते हैं, जिनके पास है उनके लिए कोई तकलीफ नहीं है, वो तो रखो आप। सर उनको एक स्टॉप लॉस 1600 का बना दें क्या फिर? स्टॉप लॉस 1600 में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 15 मिनट चार्ट पे ना 200 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सपोर्ट आ रहा है। हाँ, तो अगर जिनके पास पोजिशनली ट्रेड है पहले से, वो बहुत आराम से इसको 1590-1600 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं, मतलब वो बहुत अच्छा पोजिशनल स्टॉप लॉस है। ठीक है, डन। तो जिनके पास है वो तो 1600 का एक स्टॉप लॉस बना लो, जिनके पास नहीं है, कन्विक्शन नहीं आ रहा इस लेवल पे लेने के लिए। शेयर खराब नहीं है ऐसा एक बार भी नहीं बोला हमने, शेयर ठीक है, भाव नहीं है, भावनाएं हैं सिर्फ, और पैसा बनेगा भाव और भावनाओं दोनों के साथ। लोग कहते हैं कि सिर्फ भाव से पैसे बनते हैं, मैं कह रहा हूँ भाव के साथ थोड़ी थोड़ी भावनाएं भी होनी चाहिए, बट भाव जरूरी है, उसकी वेटेज ज्यादा है। जब वेटेज की बात चली रही है तो एक जरा वेटेज वाला शेयर मैं आपको और दिखाता हूँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज। ये थोड़ा सा बाजार को आज उतना स्ट्रांग नहीं कर रहा, मिस्टर दास भी यही बात कह रहे हैं कि थोड़ा सा इसके अंदर क्या हुआ है कि रिलायंस पुल डाउन कर रहा है निफ्टी को। नीरव सर एक बार जरा रिलायंस इंडस्ट्रीज के चार्ट देखना आप, और जरा रिलायंस इंडस्ट्रीज को देख के बताओ कि ये कितना खराब कर रहा है मार्केट को और कितना करेगा। और एक मार्केट के लिए थोड़ी सी वीक लिंक है, क्योंकि पिछले एक डेढ़ महीने से अगर आप देखो तो ये सेल्स चल नहीं पा रहा है और लगातार एक कंसोलिडेशन के साथ में एक नेगेटिव ट्रेंड बना हुआ है। बीच में जरूर 2200 तक गया था, लेकिन मुझे लगता है कि वो 2200 के आसपास जो भी टॉप बना था वो एक लोअर टॉप की फॉर्मेशन हुई थी और वहां से फिर से एक वीकनेस की मूवमेंट है। तो आई एम नॉट कन्विंस कि यहाँ से वो बहुत हमें तेजी की मूव दिखाएगी, डिस्पाइट की निफ्टी में तेजी लग रही है, बट मुझे लगता है रिलायंस इंडस्ट्रीज थोड़ा सा वीकिश परफॉर्मेंस करता रहेगा। अभी इमीडिएटली इसके लिए 990 का काफी अच्छा एक बैरियर है, जब तक उसके नीचे चलता तो थोड़ा सा जो वीकनेस है वो और भी गहरा सकती है। और दूसरा सपोर्ट मैं मानूंगा 1940 का,
1940 को अगर तोड़ता है तो फिर 1850 तक दोबारा जाने की एक पूरे चांसेस बनते हैं, और ऊपर में 1990 के बाद में फिर 2050 का लेवल महत्वपूर्ण रहेगा, जिसके बाद हमें कुछ थोड़ा सा पॉजिटिव डायरेक्शन दिख सकता है। तो अभी फिलहाल एक नो ट्रेडिंग जोन में है, लेकिन ओवरऑल जो बायस है वो अभी थोड़ा सा नेगेटिव है। ठीक है, बायस नेगेटिव है, नो ट्रेडिंग जोन है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो नीरज सर ने पहली बात क्लियर कर दी, आपको चार्ट में साफ साफ दिख रही होंगी। आपको मैं दिखा भी देता हूँ, आवरली चार्ट है, पूरी तरह से डाउनवर्ड स्लोपिंग है। पहला पॉइंट, कोई जान नहीं है रिलायंस के अंदर, जो जान आ रही है वो इवेंट के साथ ही आती है, बाद में गुम हो रही है। प्रॉब्लम बार 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 दिख रही है, देख रहे हैं आप ही, हर हाई पिछले हाई से नीचे है, लोअर लोस लोअर हाईज बनाता जा रहा है। इसका मतलब है कि डाउनवर्ड स्लोपिंग, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, रेजिस्टेंस क्रिएट कर चुका है एवरेजेस की, और बहुत पक्के से, और वीवीएम भी तोड़ चुका है। ये वीवीएम है आवरली चार्ट पर, जिस लेवल को ब्रेक किया हुआ है वो 2000 के जस्ट नीचे है, जिसको सभी 1980 बता रहे हैं, 1990 बता रहे हैं। ये सारा का सारा एरिया है, दिस वन, ये पूरा का पूरा रेजिस्टेंस एरिया बन चुका है। अब पार करेंगे तभी चलेंगे, नहीं तो नहीं चलेंगे। पहला पॉइंट, गैप के साथ करेंगे क्या या वैसे करेंगे, कभी भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, बट पार होने पे होगा। लेवल्स टूट गए ये भले, तो फिर दिक्कत बढ़ जाएगी, फिर आप हो सकता है 30-40 रुपए और भी नीचे ड्रैग कर जाए। तो रिलायंस पे ट्रस्ट ना करें, अभी थोड़ा सा ट्रस्ट वर्दी नहीं है रिलायंस, मेरे को थोड़ा सा डर लग रहा है अभी रिलायंस पे, उतना ठीक नहीं नजर आ रहा है। ठीक है, रिलायंस एक कमजोर कड़ी बन के रह सकता है बाजार के लिए, थोड़ा सा ये मुश्किल करेगा, ये 14,800 को ना पार करवाने की भी एक बड़ी वजह, ये रिलायंस भी बन सकता है। आगे आते हैं, एक शेयर और है जो आज चल रहा है, वो है सिप्ला फार्मास्यूटिकल्स का। प्रशांत सर एक बार जरा एक सिप्ला पे आओ, आप सिप्ला का चार्ट खोलो। डिफेंसिव में अगर मेरे को सिप्ला लेना हो तो मैं ले सकता हूँ। सर अगर आप आज देखो डिम्पी जी, तो बहुत अच्छा मोमेंटम फार्मा सेक्टर में है, तो सिप्ला एक फ्रंट लाइनर है। अगर आप देखो इस रेजिस्टेंस से ब्रेकआउट भी दिया है, डेफिनेटली इस लेवल पे लेना चाहिए। आप लोगे सर? अगर मैं आपसे बोलूं आप इसको लेना चाहोगे तो आप ले लोगे? हाँ पक्का ले लूंगा। ठीक है, तो आप मेरे को फिर अब बताओ सर इसमें स्टॉप लॉस क्या दोगे आप? ये क्या मैं स्टॉप लॉस 801 का ले लूं? मैं थोड़ा नीचे का स्टॉप लॉस लेना चाहता हूं, मैं रोज के कचर पचर से नहीं, मैं दुखी हूं बहुत। एग्जैक्टली, तो ये 830-834 चल रहा है, मैं एक सेफ स्टॉप लॉस रखूंगा 795, 40 रुपीस का स्टॉप लॉस रखूंगा, 100 रुपीस का टारगेट रखूंगा। 100 रुपीस का टारगेट कहने का मतलब है कि आप 900 प्लस 925-930। हां 925-930 का आपका टारगेट हो गया, और आप ये कह रहे हो कि आप इसमें स्टॉप लॉस रखोगे 795, ठीक 800 के नीचे का, और आप यहाँ पे सिर्फ लेके छोड़ना चाहते हो। सर एक चीज मैं आपसे और पता करना चाहता हूँ, इसका मैं फ्यूचर ले लूं या कैश? मान लो मैं कैश में पोजीशन बनाना बेटर है। सो डिम्पी जी इस सेक्टर पे एक्चुअली आज मुझे बात करनी थी, काफी टाइम पहले हमने जब शुरुआत की थी तब मैंने एक शेयर बताया था लॉरस लैब्स। यस बताया था, बिल्कुल याद है मेरे को सर, लॉरस लैब। तो आज ये सेक्टर काफी अच्छा पिकअप किया, और मैं एक लेवल ट्रैक कर रहा हूँ लॉरस लैब्स के लिए, वो है 405 का, उस लेवल के ये काफी नजदीक आ जा रहा है। आपका शेयर तो सर बहुत बढ़िया चला लॉरेंस लैब, तो अभी मैंने आज ही देखा काफी दिनों के बाद 400 आ गया ऑलमोस्ट। हाँ तो ये 405 के ऊपर अगर क्लोज दे इवन आवरली चार्ट पे, तो ये डेफिनेटली लेने लायक है। ये बहुत अच्छा कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देने की, इसमें वॉल्यूम्स भी अच्छे हैं, मोमेंटम भी दिख रहा है, तो इसमें मेरे पोजीशंस ऑलरेडी है, मैं और ऐड करने का सोच रहा हूं 405 के ऊपर। ठीक है, मान लो सर मैंने पूरा ये हिस्सा छोड़ दिया, मैं आ सकता हूँ? मैं फ्रेश इन्वेस्टर हूँ। डेफिनेटली 405 के ऊपर 100% आना चाहिए। ठीक है, एक बेस का काम कर जाएगा ये। फिर मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा अगर मैं 400 के ऊपर आता हूँ लॉरेंस लैब में? तो सर अगर हम 405 के ऊपर ले रहे हैं, इसको बहुत सेफली हम 365 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, और इसको पोजिशनली होल्ड करना चाहिए, ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा चलेगा। लॉन्ग टर्म यानी कि आप कह रहे हैं कि 2-2.5 साल रख लो कम से कम? उतना 3-4 महीने भी काफी हो गया, मतलब इसमें मुझे बहुत मोमेंटम लग रहा है। अच्छा, ये तो बहुत ही बढ़िया बात बता रहे हैं आप, तो मैं सर इसको जरा नोट कर लेता हूँ। एक तो लॉरेंस लैब हो गया, आप मेरे को बता रहे हैं कि एक तो 405 के ऊपर लेना है। सर यहाँ नहीं लेना ना, यहाँ पे तो आप मना करोगे? अभी नहीं, ये बहुत रेजिस्टेंस जोन है एक्चुअली, इसको 402-403 पे एक रेजिस्टेंस, तो यहाँ लेके कोई मतलब नहीं होता है। इसके लिए फ्रेश पोजिशन बनानी है तो 405 के ऊपर ही बनाने में कोई मतलब लॉजिक होगा। ठीक है, इन दोनों में से एक सिप्ला है और एक लॉरेंस लैब है,
इन दोनों में से अगर मैं आपको चॉइस दूं तो आप कौन सा शेयर लोगे सर? मैं डेफिनेटली लॉरस लैब्स लूंगा, क्योंकि पोजीशन तो कैश में ही बनानी है, सिप्ला में हो या इसमें हो, मुझे ज्यादा मोमेंटम यहां दिख रहा है। ठीक है, तो आपको ज्यादा मोमेंटम लॉरस लैब में दिखता है, बट वो लगेगा आपको 405 के बाद, तो इस पे एक बार ध्यान रख सकते हैं। लॉरस लैब की वेबसाइट यानी कि उसकी जो डिटेल्स हैं ये मोटा मोटी आपको अपनी स्क्रीन पर भी दिख रही होंगी। एंड आई होप कि इन दोनों में से सिप्ला और लॉरस लैब, देखो दोनों फार्मास्यूटिकल्स हैं, मैं ये चाहता हूं कि आप दवा मत खाओ लेकिन दवा वाली कंपनी ले लो। तो दवा नहीं खानी, दवा वाली कंपनी लेनी है, लेकिन कौन सी कंपनी लेनी है ये देखो आप, वो देखने वो लॉरस लैब। कंडीशन है 405 के ऊपर लेना है, 360 का स्टॉप लॉस लगाना है, भूल जाओ चार महीने के लिए, सुप्त अवस्था में चले जाओ, शेयर को भूल जाना, फिर देखते हैं फिर क्या होता है। ठीक है प्रशांत सर, एक मिनट हमारे साथ आप बने रहिएगा, जरा मैं नीरज सर से कुछ एक ट्रेड लेने में को जरा उनसे पता कर लेता हूँ। नीरज सर ये जरा अदानी पोर्ट्स को देखना, अदानी एंटरप्राइजेस से निकलते हैं तो पोर्ट चल जाता है, पोर्ट से निकलते हैं तो ट्रांसमिशन चल जाता है, ट्रांसमिशन से निकलते हैं तो गैस चल जाती है। भाई ठीक है, देश में अदानी और अंबानियों का ही राज है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं व्यापार में, लेकिन हमारे लिए मुश्किल ये है कि सारे शेयर तो अदानी के नहीं खरीद सकते, सारे शेयर अंबानी के नहीं खरीद सकते। अदानी पोर्ट्स पे एक बार अपना व्यू दो सर अपना। वेल इस लेवल पे भी आपको बाइंग करने का या होल्ड करने का थोड़ा सा झिझक रही है, और ये दिस सेक्टर दिस ऑल दिस ग्रुप्स ऑफ आर फॉर ब्रेव हार्ट नॉट फॉर ऑर्डिनरी पीपल, और उसी हिसाब से ध्यान में रखकर था कि जहाँ तक अडानी पोर्ट्स की बात है तो मैं कहूँगा कि डेफिनेटली एक स्ट्रेंथ जरूर है स्टॉक में, और तेजी बन रही है, तेजी दिख भी रही है। मुझे लगता है 760 के बाद मैं फिर जो है ये आपको 820 तक का लेवल दिखाने के लिए तुरंत चला जाएगा, तो एक पॉजिटिव डायरेक्शन अभी भी दिख रहा है। मुझे लगता है कि 820 तक के लिए छोटे से टारगेट के लिए बाइंग करके चलना चाहिए, नीचे का स्टॉप लॉस आपका 730 के नीचे का रखना चाहिए। 730 के नीचे का सर आप स्टॉप लॉस दे रहे हैं? जी सर। और सर टारगेट आपका 800 के ऊपर भी आ जाएगा सर? आप कहोगे कि इससे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैच नहीं करता है, वैसे तो कभी मैच भी नहीं कर सकता था, क्योंकि इससे रिवॉर्ड क्या देगा वो अडानी ग्रुप ही हम नहीं जानते सर। नहीं ये बात तो सही कह रहे हैं कि अब रिवॉर्ड तो वही बताएंगे क्या मिलने, लेकिन हाँ हमारे हाथ में जो शेयर है इसको थोड़ा सा हमको देख के चलना पड़ेगा। बट हाँ ठीक है, अभी ये कुछ शेयर ज्यादा है तो थोड़ा सा एक रेंज के अंदर सर ये ना ये 770 पार कर जाएगा, थोड़ा रेजिस्टेंस वाला एरिया है। मैं आपके सामने जरा रेजिस्टेंस दिखा देता हूँ, ये रेजिस्टेंस है पूरा 770 ना, आप देख पा रहे हो अपनी स्क्रीन पर सर। देखिए ओवरऑल पैटर्न डेफिनेटली बुलिश है और एक लगता है कि इसमें ये ब्रेक करने के लिए पूरे चांस है, तो कर जाएगा सर उसको 60-70 का जो रेंज है वो क्रॉस कर जाएगा, 820 का उससे भी मैं टारगेट लगा सकता हूं। ठीक है तो हम ये मान के चलते हैं कि अडानी पोर्ट्स के अंदर एक बार पोजीशंस बनाई जा सकती है, एंड आई होप कि अडानी पोर्ट्स की एक बार अच्छी पोजीशंस है। 800 प्लस का टारगेट है, 730 का स्टॉप लॉस है, यहाँ पे लो तो काम भी चल सकता है। आपके सामने बहुत सिलेक्टिव शेयर्स रख रहे हैं, कोई आपाधापी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, एक ही शेयर को भगाना 15-15 मिनट 20-20 मिनट हम तो दे देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, काम की चीज आनी चाहिए ना। ज्यादा शेयर लेके फिरेंगे बिकाएंगे तो पैसे नहीं है, किसी के पास भी नहीं होते इतने पैसे। तो अदानी पोर्ट्स आपके लिए होगा, स्टॉप लॉस 730, 800 का टारगेट है। इसी तरह से एक लॉरस लैब भी रिकमेंडेशन आपको मिली हुई है, 935 तक का टारगेट है, और उसके बाद आप चाहें तो स्टॉप लॉस 365 का, बट एक कंडीशन है 405 वाली, वो आपको जरूर ध्यान रखनी है। नीरव सर एक क्वेश्चन आपसे और है, ये पीवीआर कहीं कोरोना पीवीआर को खा तो नहीं जाएगा, ये इतना मुश्किल तो नहीं कर देगा कि इसको 1000 से नीचे भी ड्रैग करवा दे? अभी हो क्या रहा है ना सर 1135 है, कल भी हम कह रहे थे कि भले बाजार ऊपर आ जाएगा पीवीआर में थोड़ा देख के चलना, हमको लग रहा है सर 1000 ना ले आए, 100 रुपए गुंजाइश अभी और भी बनती है। दीपू जी मेरा ना मानना कुछ और है, मैं कुछ डिफरेंट तरीके से देख रहा हूँ कि आने वाले कुछ सालों में पूरा काफी बड़ा एक डिस्टर्बेंस जो हमने देखा था पिछले एक साल में वो काफी बड़ा बदलाव होने वाला है, ऑटो सेक्टर बोलो या हॉस्पिटलिटी सेक्टर बोलो, ऐसे काफी बड़ा बदलाव हम लोग देखने वाले हैं। और इसी के चलते आप टी वी आर देखो या फिर कोई भी हॉस्पिटलिटी के कोई भी शेयर देखो, इवन ऑटो सेक्टर देखो तो वो उस तरह से नहीं चल पाए जिस तरह की मूव ओवरऑल मार्केट ने निफ्टी ने दिखाई है। ठीक है तो उससे थोड़ा सा मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेंड चेंज की निशानी है, और अगर पीवीआर में हम लोग नियर टर्म की भी बात करें
तो 1400 का टूटना इसलिए डेफिनेटली एक नेगेटिव सिग्नल था और इसने इसको तोड़ा है, और मुझे लगता है कि ये शेयर अभी भी नीचे जाने के पूरे लिए तैयार है। नीचे 1000 रुपया या उससे भी नीचे जा सकता है, तो ऊपर में 1300 तक का 1320 तक का रेजिस्टेंस है। कोई भी बाउंस बैक आती है तो बेच करके चलना चाहिए, मुझे लगता है ये सब आपको नियर टर्म में 1000 या उसके आसपास के टारगेट आराम से देखा के जा सकते हैं। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि जो है ना इसको शेयर को नीचे में भी कहीं बाइंग करने के लिए नहीं देखना चाहिए। आप शॉर्ट टर्म भले जरूर थोड़े बहुत ट्रेडिंग कर सकते हो, बट ओवरऑल मुझे लगता है कि ये शेयर सारे एक वीक टर्म की तरफ रहेंगे और आने वाले दिनों में भी एक जो है इसकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस रहेगी वो थोड़ी सी नेगेटिव रहेगी। ठीक है, डन। दो हिस्सों में आप पीवीआर के चार्ट को और इस सारी बात को समरी को समझ सकते हैं। पहला, ये न्यूज बेस्ड शेयर बन चुका है, अब ये चार्ट से नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा अपनी बैलेंस शीट से, ये चलेगा खबर से कि कोरोना कितना सीवियर है, कोरोना कितना सीवियर नहीं है। तो प्रोपोर्शनेट हो गया इसके, बिल्कुल इसके पैरलर हो गया। पहला, ये न्यूज बेस्ड शेयर हो चुका है, खबरें बैक टू बैक बुरी आती गई, चाहे आ रही है बनाई जा रही जैसे भी है, अगर बुरी आती गई तो ये 1000 भी ड्रैग कर जाएगा धीरे धीरे करके, क्योंकि ये बेरिश चैनल में फंस चुका है जो अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। ये पूरा का पूरा एरिया है, इसके लिए बहुत बड़े बड़े हर्डल्स हैं। अब तो इसको ऊपर लेके आने का मतलब है कि पूरी तरह से कोरोना वाली चीज को हमको धीरे धीरे करके भुलाना होगा, लेकिन तब तक जब ये पूरी तरह से 1300 के नीचे है, एक बेरिश स्क्वीज कैनाल जैसे के अंदर फंस गया है। अब ये कहीं भी जा सकता है, 1000 भी आ सकता है, बस कोरोना बेस्ड खबर होगे, सेंटिमेंट बेस्ड खबर लाओगे तभी। एक और चीज है, कहते ना कि कभी भी कोई बुरी चीज हो तो उसमें अच्छाई देख लेनी चाहिए, पीवीआर में भी वैसा ही देखना चाहिए। जितना गिरे पोर्टफोलियो में शेयर डालते जाओ, 10 से 20% 30% कंपनी बंद नहीं हो रही, फ्लेवर बंद नहीं हो रहा, वो रहेगा। मुझे लगता है कि पीवीआर को भी और मतलब ये जितने भी मल्टीप्लेक्स के शेयर है इनको भी अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, नेटफ्लिक्स और अमेजन के तरह, और इन सब जो भी डिजिटल कंटेंट प्रोवाइड करते हैं उसकी तरह पीवीआर को भी अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, और इसको भी जो है डायरेक्ट टू होम करना पड़ेगा, अदरवाइज सर्वाइवल इसके लिए मुश्किल हो सकता है आने वाले, क्योंकि जो कोरोना जो उतना जल्दी जाने वाला नहीं है, और इस तरह की जो लॉकडाउन वगैरह की अगर वो हर 4-6 महीने में स्थिति आती रही तो डेफिनेटली खराब होगा। तो मुझे लगता है कि पीवीआर को भी अपने आप को जो है चेंज करना पड़ेगा, और एक ट्रांसफॉर्मेशन उसको भी लाना पड़ेगा, तब जाकर के लाना पड़ेगा। सर बिल्कुल लाना पड़ेगा, समय के साथ हर किसी को बदलाव करना पड़ता है। पीवीआर सिर्फ आप अच्छे से रेक्लाइनर्स लगा के मूवी नहीं दिखा सकते, वो आपको टेक्नोलॉजी और बहुत सारी चीजों में बदलाव लाने पड़ेगा। नेटफ्लिक्स आपके सामने खड़ा है, Z5 आपके सामने खड़ा है, लोगों को एक साल में किसी भी चीज की आदत डालना बहुत होता है और वो डल चुकी है, बहुत अच्छे से डल चुके हैं, तो इसलिए इन कंपनीज को बहुत डबल मेहनत करनी पड़ेगी, सिर्फ स्क्रीन खोल के या रेक्लाइनर लगा के मूवी ना दिखाएं अब आप। तो ठीक है, देखते हैं, बट ठीक है, कंपनी के अंदर फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। एक और चीज, जैसे मिस्टर दास भी कह रहे थे कि मुंबई में तो कोरोना है बट आसाम में और बंगाल में कोरोना नहीं है, सर ये थोड़ा सा पॉलिटिकल है, यानी कोरोना को शायद पता होता है कि आसाम में और बंगाल में नहीं जाना, वहां पे तो चुनाव चल रहे हैं। अच्छा, एक ना मीम बना हुआ आया, प्रशांत सर जरा आप भी सुनेगा, एक ना मीम बना हुआ आया, तो मीम मैं वैसे देख रहा था, तो उसमें देखते देखते मैं ये पता लगा कि भाई इस देश में कोरोना को कैसे खत्म करना चाहिए, कैसे खत्म हो जाएगा इस देश में कोरोना अगर हमको खत्म करना हो तो। तो उन्होंने बोला कि भाई पूरे देश में चुनाव करवा दो, कोरोना आएगा ही नहीं। मैंने भी पढ़ा है। हाँ, तो आपने भी देखा ही होगा, तो कुछ कुछ वैसा ही चल रहा है आजकल, कोरोना को भी पता है कि कहाँ पे जाना है कहाँ पे नहीं जाना। एनी हाउ, बहुत बहुत शुक्रिया सर, नीरज सर बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा बिल्कुल, अच्छा सर एक चलते चलते ना एक चीज मैं आपसे भूल गया वो पूछना, कोई एक ऐसा शेयर बताओ जो आपका इंटरेस्टिंग, जिस पे आपके नजर हो, वो मैं भूल गया आपसे, आपकी ट्रेडिंग कॉल लेना आज। नीरव सर जरा वो शेयर बताओ। हाँ जी, लास्ट वीक आपको ध्यान होगा हमने हिंडाल्को डिस्कस किया था, और हिंडाल्को में अच्छी मूव आई इस वीक में। एक नया शेयर मैं दूंगा, अपार इंडस्ट्री, आप देखो इस शेयर में काफी समय से जो 450-700 के बीच में ट्रेड कर रहा है पिछले 1.5 महीने से, अच्छा लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट है पे खड़ा हुआ है शेयर। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इसमें एक अच्छी तेजी में देखने को मिलेगी, और मैं करीब 580-600 तक के टारगेट के लिए इसको बाय करने की सलाह दूंगा। 580 तक का टारगेट रख ले सर। जी सर। सर स्टॉप लॉस क्या दोगे, अभी 480 चल रहा है, 580 का टारगेट है, 100 रुपए का टारगेट आप दे रहे हो, तो मेरे को स्टॉप लॉस भी दो।
अभी जो रिसेंट लो लगा है 440 का, 450 पे रख सकता हूँ कि सर 440 ही रखूँ? 440 बेटर, 440 रख लेंगे। सर बताएगा ना हमारा, आपका मैन्युफैक्चर नहीं हो सकता? नहीं, ठीक है, मैं तो बिल्कुल फिक्स हूँ, मैं स्टॉप लॉस में कोई छेड़छाड़ करूंगा भी नहीं किसी भी तरह की। टारगेट अपनी खुशी का, अपनी मर्जी का, स्टॉप लॉस एनालिस्ट का, ये मानना चाहिए, तो फिक्स कर लेना चाहिए स्टॉप लॉस एनालिस्ट का। अपार इंडस्ट्रीज, इस पे आप ध्यान रखें, स्क्रीन पर आपके दिख रहा है चार्ट अपार इंडस्ट्रीज का, और आप इस पे एक बार व्यू पॉइंट ले सकते हैं। 580 का टारगेट है आपका, जो स्टॉप लॉस है वो करीब करीब बनेगा 440 का, ये आपके लिए स्टॉप लॉस और 580 आपके लिए टारगेट। अपार इंडस्ट्रीज आज का नीरव सर का शेयर हो गया, ये फिक्स हो गया। नीरव सर बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, प्रशांत सर के पास आते हैं और प्रशांत सर से जानते हैं जरा कुछ एक ट्रेड। प्रशांत सर, एक शेयर मेरी और लिस्ट में आ रहा है, कई दिनों की ठहराव के बाद फिर से चलने लगा है, वो है सन टीवी। पॉलिटिकली ड्रिवन शेयर है, आपको पता है छापेमारी हुई तमिलनाडु के अंदर, कई नेताओं के घर से कुछ पैसे भी मिल रहे हैं, वो तो चुनावी प्रक्रिया है, मिलते ही हैं। 475 चल रहा है सर, पॉलिटिकली सेंसिटिव शेयर है, आपको अच्छी तरह से मालूम है, एक बार इस पे जरा व्यू पॉइंट दीजिए। फिर भोजवानी साहब का एक सवाल रह गया मेरे से पीछे, मैं वो लूंगा, फिर गेस्ट के सवाल सबके ले लूंगा, जरा पहले सन टीवी पर अपना एक व्यू पॉइंट दीजिए सर। सर डिम्पी जी, एक चीज दिख रही है मुझे यहाँ पे, इसने एक बेस बना लिया, अच्छा डबल बॉटम टाइप बना के अब ये हायर बॉटम बनाना शुरू कर रहा है, बराबर ये ट्रेंड लाइन के ऊपर, समझो 485 के ऊपर इसको ले सकते हैं, और इसको एक छोटे से स्टॉप लॉस पे ले ले जो होगा अराउंड 460 पकड़ लो, मतलब 20-25 का स्टॉप लॉस, और बस इसको होल्ड कीजिए अराउंड 50-80 रुपीस टारगेट मिलने के लिए, क्योंकि इसका बेस अच्छा बना हुआ है अभी। सर यहाँ पे भी ले सकते हैं? ले नहीं, थोड़ा ऊपर 485 के ऊपर लेना ही बेटर रहेगा। 485 तक तपस्या कराओगे सर, 10 रुपए ही नहीं चलेगा, और 10 रुपए ही चलेगा तो फिर बहुत अच्छा चलेगा, आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या है ना कि 10 रुपए तक ये इतना इंपेशेंट कर देगा आपको कि आपसे कोई गलत फैसला ना हो जाए, इसलिए एक काम आप करो, या तो इस पर नोटिफिकेशन डाल दो आपके टर्मिनल पे कि जब ये जाए 485 तब नोटिफिकेशन, तभी मेरे को नोटिफाई करो, नहीं तो क्या होगा ये 2 रुपए चलेगा आपको लगेगा अभी चला तो फिर क्या होगा ये आपको ट्रैप मारता है, ये टिपिकली रिटेलर्स का ट्रैप करने का तरीका होता है कि 3 रुपए चला दो फिर ले आओ नीचे, अच्छा आप 85 बोल रहे हैं, 85 टच करा देंगे, बोलेंगे यार हम ज्यादा होशियार हैं, 1 रुपए पहले ही मार देते हैं। होते हैं लोग, बहुत होशियार लोग होते हैं, 485 आता नहीं, 483 पे पहले बटन मार देंगे कि यार 2 रुपए सस्ता ले ना, जब जा ही रहा है तो 85 तो अपन 2 रुपए पहले आ जाते हैं, तो 2 रुपए पहले आना ही ट्रैपिंग है, वो 2-2 रुपए इकट्ठे करके ही बड़ा ब्रोकर जो है आप सबसे 2,000 रुपए या 2,00,000 रुपए लेकर निकल लेता है। थोड़ा सा सावधानी रखनी है, कंडीशन अप्लाइड है, 485 के बाहर ही इसको लेना है। सर स्टॉप लॉस क्या दोगे? 485 के ऊपर लूंगा तो मैं इसको सिर्फ 465 20 रुपीस का ही स्टॉप लॉस रखूंगा, और मैं इसको होल्ड का स्टॉप लॉस, ठीक है 465 का आप इसको एक स्टॉप लॉस दोगे। ये एक सन टीवी का एक शेयर है जो आपके लिए हो गया, आपको ध्यान में रखना है 485 प्लस के ऊपर लेना है और स्टॉप लॉस हो गया 465 का, ठीक है सर। सर मैं आता हूँ, एक छोटी सी चीज मेरे को आपसे करवानी है, आपसे रिलायंस इंफ्रा, नॉट कैपिटल सॉरी, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, वो भी मैं देख लेता हूँ, रिलायंस इंफ्रा का चार्ट आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, रिलायंस इंफ्रा। लेकिन सर एक ना आपको वो हमको देना है ये बना के कि हम क्यों इन शेयर्स के साथ जाएं, 42 रुपए का हो गया रिलायंस इंफ्रा, मेरे को अच्छी तरह से ध्यान है, आपने पिछली बार हमारे से चर्चा भी कर रहे थे रिलायंस इंफ्रा की, हमने आपको एक छोटा सा काम भी सौंपा था कि सर आप हमारे साथ एक वीडियो बना दो, और वीडियो बना के ये बता दो कि ADAG के शेयर्स क्यों चलेंगे, क्यों हमको ADAG के शेयर्स लेने चाहिए, किस भाव पे लेने चाहिए, मैक्सिमम कितना नीचे आ सकता है और कितने बड़े जायंट बन सकते हैं वापिस से, क्योंकि ये सारे ना बहुत ही क्रिटिकल बिजनेस के अंदर थे, मालिक खराब होना अलग बात है, बिजनेस थोड़ी खराब हो गए हैं, इस देश में टेलीकॉम खराब नहीं हुआ, इस देश में इंफ्रा खराब नहीं हुआ, कंपनी खराब हुई है, अनिल अंबानी खराब हो सकते हैं लेकिन बिजनेस खराब नहीं है, ठीक सर डन। तो सर इसका क्या करना है अभी रिलायंस इंफ्रा पे?
नहीं, अभी तो लास्ट टाइम हमने इस पे 36 में बाय दिया था 50 के टारगेट के लिए, अब ये ऑलमोस्ट वहां जा रहा है। अब इसको हम लेंगे तो 48 49 के ऊपर ही लेंगे, जिन्होंने नहीं लिया है, जिन्होंने उस वक्त लिया था वो टारगेट के लिए होल्ड करें। आज भी 10% अभी तो ये माइनस सर्किट में। इंटरेस्टिंग, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ऐसे मिस्टर जी दास जी भी कह रहे हैं, यूएस में ही रहते हैं, उनका भी कहना है कि यूएस में भी मिस्टर जो बाइडेन है वो एग्रेसिवली 2 ट्रिलियन इंफ्रा बिल यानी कि 2 लाख करोड़ का बिल पास कर चुके हैं मेटल्स वगैरह के लिए। ठीक है, कुछ ग्रेफाइट्स एचईजी वगैरह के लिए तो ठीक है, तो हम पहले भी बात कर चुके हैं। विवेक जी ने एक वीडियो भी हमको बना के दिया है जो कि हमको बता रहे हैं कि जो ई व्हीकल्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जो हैं, उनका एक नया जमाना है। उसमें 4 कंपनीज उन्होंने बताई है, एचईजी, रेन, ग्रेफाइट और एक कंपनी और थी शायद, मैं कुछ भूल गया उस कंपनी का नाम। वो चारों कंपनीज का एक वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है, तो एक वीडियो हम और करेंगे आज ही। प्रशांत जी से हम एक वीडियो रिकॉर्ड करवा लेते हैं कि एडीएजी की शेयर्स के अंदर हमको करना क्या है, ठीक है, किस किस शेयर का कितना कितनी डेप्थ है, क्या क्या है, इसकी सारी डिटेलिंग जो है एडीएजी शेयर्स की ले लेते हैं। और उसके बाद फिर हम आपके सबके लिए बात रखेंगे कि एडीएजी शेयर्स में करना क्या है, ठीक है। तो जिनके पास है वो प्रॉफिट बुक करो, जिनके पास नहीं है अभी थोड़ा रुक जाओ, वीडियो देख लेना, फिर समझ आ जाएगा सब कुछ आपको। आगे बढ़ते हैं। सर एक दो सवाल जरा मैं और ले लेता हूँ। एक सवाल था आईओसी का, मिस्टर भोजवानी का सवाल था, मेरे से छूट गया पीछे। आईओसी पे क्या करें, फिर एक लोकेश पारिक जी का भी सवाल लेंगे, पहले आईओसी को से। '91 का चल रहा है सर आईओसी, और अभी तो मुश्किलों से घिरा हुआ है। हालांकि इस पे आज एक खबर आई है कि सारी ऑयल मार्केटिंग वाली कंपनियां मिलकर सऊदी अरब में कुछ हिस्सा खरीद रही हैं, चारों देश की बड़ी कंपनी HPCL, BPCL, IOC और MRPL चारों मिलकर खरीदना चाहती हैं। फर्क क्या पड़ता है इससे, मतलब सर समझो मुझे इंटरेस्ट भी नहीं रहा अब तो। खैर बताइए सर। तो डिम्पी जी, अगर समझो मुझे पता ही नहीं है ये कंपनी क्या करती है, मुझे सिर्फ ये चार्ट दिख रहा है, आईओसी नाम है और ये चार्ट है, तो इस चार्ट के बलबूते पे मैं इसमें कभी इन्वेस्ट नहीं करूं, क्योंकि अगर आप लेफ्ट पे देखो इसमें गैप्स ही गैप्स दिख रहे हैं, ये हर गैप इसको ऊपर जाते हुए रेजिस्टेंस बनने वाला है। तो अगर मेरे पास कोई बेटर बेटर शेयर है तो कोई जरूरी नहीं है कि मैं आईओसी में इन्वेस्ट करूं, आई वुड नॉट इन्वेस्ट इस लेवल पे और ऐसे चार्ट पे। सर इसमें अगर कोई सरकारी खबर आ जाए पॉलिसी वॉलिसी वाली तब भी नहीं करोगे आप? नहीं, मतलब अगर मेरे पास बेटर ऑप्शन, जैसे हमने लास्ट टाइम एशियन पेंट्स डिस्कस किया, कोई अच्छा स्टॉक जैसे आज लॉरेंस लैब्स डिस्कस किया है, जब वो अच्छे चल रहे हैं तो हमारे पास पैसे तो लिमिटेड होते हैं, तो हम चार जगह पार्क करने से बेटर है एक जगह उसमें ज्यादा पोजीशन बना ले जहाँ कन्विक्शन बेटर हो। नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। आईओसी को सर छोड़ दे फिर, हालांकि रेजिस्टेंस तो साफ साफ दिख ही रहे हैं, पूरा रेजिस्टेंस से भरा हुआ शेयर, मतलब ये है तो सपोर्ट पे, बट इसको कोई ऊपर ज्यादा टारगेट भी नहीं दिख रहा है मुझे, बहुत तुरंत रेजिस्टेंस दिख रहा है। और ये मल्टीपल रेजिस्टेंस से घिर गया है, पता नहीं इसको क्या हो गया, 100 के ऊपर जा रहा है ना, ये पूरा फस आ गया है, देख रहे पूरी एक श्रृंखला सी बन चुकी है रेजिस्टेंस की, और मल्टी रेजिस्टेंस है। अब इसका आप लो अगर मैं मान लो, चलो ये भी बेस भी मान लेता हूँ, तो पूरा जिगजैग के अंदर ये शेयर फंस गया, ऊपर आने के लिए 100 का फिर रेजिस्टेंस मिल जाएगा इसको। अभी तो 91 चल रहे हैं, 91 से लेके 105 में सिर्फ आते हैं 15 रुपए, एथिकली परसेंटेज में देखेंगे तो 10 से 12% 13% बन रहा है। 13% के लिए कितनी मेहनत है ये आप देखो, फरवरी से लेके आज हम अप्रैल में आ गए हैं, ना तो इससे 105 टूट रहा है, ना तो इससे भी 90 टूटा, 90 पे आके रुक जाता है, 105 पे आके फिर से रुक रहा है, और उसके बीच में भी गैप मारता है तो दिक्कत कर रहा है। तो गैप्स मैंने आपको छोटे 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 सर्कल्स जो है ना, ये सारे गैप्स हैं इसके। ठीक है सर, छोड़ देते हैं आईओसी, अभी आईओसी से एक बार जरा बाहर आते हैं। एक सर शेयर और है जरा जरा, ये जिंदल स्टील देखना, गीता जी का क्वेश्चन है, जिंदल स्टील सर। सर ये शेयर अभी चल रहा है जिंदल स्टील का 388 पे, थोड़ा खिंचा हुआ शेयर है सर, मेरे को लग रहा है हमारे हाथ से तो निकल गया। वही बोला था मैं डिम्पी जी, दो चीजें होती है, एक तो स्टॉक स्ट्रांग होना, ये बहुत स्ट्रांग है, बट मेन चीज होती है इसमें एंटर कहां करें। तो जैसे कि हम कहते हैं कि हम फ्लाइट हवा में नहीं पकड़ते, हम एयरपोर्ट पे लैंड होने पे पकड़ते, तो इसको लैंड होने के लिए रुकना चाहिए थोड़ा। ठीक है, तो लैंड कहां पे होगा सर, 350 पे?
इवन मैं तो 375 से भी पोजीशन बनाना चालू कर लूंगा, काफी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। ठीक है, एक बार इसका डेली चार्ट भी देख लेते हैं। आपके स्क्रीन पर डेली चार्ट दिख रहा है और ये लगातार नॉन स्टॉप बेहतरीन मोमेंटम दिखाने वाला बढ़िया शेयर है। 375 आप कह रहे हो कि एक बार लैंडिंग है इसका, तो 375 पे अगर हम आ जाते हैं तो वापिस एक बार देख सकते हैं। आप कह रहे हो कि इसके अंदर एंटर किया जा सकता है। ठीक है, वैसे आज ना GSPL पे एक खबर भी आई है, खबर इसके अंदर ये भी थी, आज हमने सुबह एक खबर डाली थी इसके अंदर की कंपनी का जो उत्पादन है वो 34% बढ़ा है, मीट्रिक टन, मतलब 2 मीट्रिक टन हो गया। और ये कंपनी ये बताना चाह रही है इसके अंदर कि भाई हमारा जो उत्पादन है वो अच्छे से बढ़ा है, 34% मीट्रिक टन बढ़ा है। ठीक है, डन। अच्छा सर, एक लगे हाथ जब आप एशियन पेंट्स की बात बोल ही रहे हो तो एक बार जरा एशियन पेंट्स भी देख लो, एशियन पेंट्स में क्या करना चाहिए। एशियन पेंट्स का चार्ट आपकी स्क्रीन पर है, 2500-2600 हो गया सर। सर ये हमारे टारगेट के तरफ तो पहुंच ही रहा है और डिब्बी जी इसमें डेफिनेटली पोजीशन बढ़िया से मिल जाते हैं। खैर, थैंक यू। तो इसमें बहुत अच्छा पोजीशन अभी आगे अगर बनाना हो तो इसको थोड़ा एक डेली पे क्लोज होने दीजिए 2600 के ऊपर। 2600 के ऊपर एक बार क्लोज होने दे, आप एक बार क्लोज होने दीजिए और वो एक नया पोजीशन जिनके पास नहीं है उनके लिए मैं कह रहा हूँ 2600 के ऊपर क्लोज होने दीजिए और फिर हम सिर्फ इसको लेंगे 2560 के स्टॉप लॉस से, मतलब 40-45 रुपीस रिस्क से, ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं रखेंगे। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है प्रशांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच आज कार्यक्रम का हिस्सा बनने।